नौकरियों में रिजर्वेशन दी, एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया और उसके बाद जाकर के पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। द पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज द की टू ऑल एम्पावरमेंट। आज अगर हम देखते हैं तो पार्लियामेंट में 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर एससीज, 7.5% सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटीज। अगर हम आर्टिकल की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 330 यह कहता है कि नेशनल लेवल पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं पार्लियामेंट के लिए। उसी तरह से आर्टिकल 332 कहता है, 332 कहता है कि स्टेट असेंबलीज में भी इन समूहों के लिए, यानी एससीज और एसटीज के लिए, उनके आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। अब आते हैं हम पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज की बात नहीं करेंगे क्योंकि वक्त की कमी है, पार्लियामेंट की बात करेंगे। पार्लियामेंट में सीटें आरक्षित हैं और 2008 के डीलिमिटेशन कमीशन के मुताबिक हमारे जो शेड्यूल कास्ट बंधु हैं उनके लिए 84 सीटें आरक्षित हैं और हमारे जो आदिवासी बंधु हैं शेड्यूल ट्राइब्स उनके लिए 48 सीटें आरक्षित हैं और जनरल के लिए कुछ 412 सीटें हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 84 और 48, शेड्यूल कास्ट की सीट 84, शेड्यूल ट्राइब की सीट 48, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होता है, 132। सरकार कितने पे बनती है हमारे भारत में, 272 पे, यानी सरकार जितनी बनती है उसका आधा, लगभग आधा यह आंकड़ा होता है। हमें खुशी है कि हमारे जो दबे कुचले भाई है, वंचित भाई है, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला और इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से काफी आगे बढ़े हैं। उनके शिक्षा में सुधार हुआ है, उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधरी है, उनका सम्मान बढ़ा है, पार्लियामेंट में उनकी उपस्थिति बढ़ी है, स्टेट के असेंबलीज में उनकी स्थिति बढ़ी है, उनपे जो न्याय अन्याय होता था कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगा है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने सपना देखा था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलने के बाद इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, इट शुड बी अ सोशल एम्पावरमेंट, वो सोशल एम्पावरमेंट नहीं हुआ है। क्या 132 लोगों को देख करके हम महसूस करते हैं कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं? आज अगर हम देखें तो ये जितने जो 132 जो प्रतिनिधि हैं ये मेन पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, या तो कांग्रेस पार्टी के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं या जो क्षेत्रीय दल है उनसे आते हैं। इनके होने के बावजूद भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पे जो अत्याचार है वो कम नहीं हुए हैं, उन पे अन्याय बढ़ा है, उनकी आर्थिक स्थिति अन्य समूहों की तुलना में कम है, उनका एजुकेशन का स्तर कम है, उन पे अत्याचार हुआ है, मॉब लिंचिंग हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो इन लोगों ने कभी भी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की है। आवाज किसने उठाया है? जो सत्ता में शामिल हमारे दलित संगठन नहीं है वो आवाज उठाते हैं, जो न्याय के प्रिय लोग हैं वो आवाज उठाते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स अभी जादू और सोना, हमारे जो छोटे भाई हैं ये आवाज उठाते हैं। इन लोगों ने आवाज नहीं उठाता है बहनों और भाइयों। इसका कारण यह है कि जो पार्टी के सदस्य चुन करके आते हैं और जो पार्टी उनको टिकट देती है, सबसे पहला उनका झुकाव, उनका अलेजियंस उस पार्टी की तरफ होता है। उस पार्टी के लाइन को कभी क्रॉस नहीं कर सकते, उस पार्टी के सिद्धांत को कभी क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरा जो अलेजियंस और दूसरा जो झुकाव है वो उस वोटर्स के प्रति होता है जो उनको चुन करके देता है। ओवरऑल अगर हम देखें नेशनल लेवल पे 15% सीटें रिजर्व हैं, लेकिन 85% जो पॉपुलेशन है वो चुन करके देता है, तो उनका सेकेंड अलेजियंस जो है वोटर्स के प्रति होता है। थर्ड और आखिरी अलेजियंस झुकाव है वो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के वोटर्स के तरफ होता है, यानी लास्ट झुका होता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट का सिद्धांत यह सामने रखा था। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होगा और जो प्रतिनिधि चुन करके आएंगे
they will be real representative of scheduled caste or scheduled tribe. लेकिन उस चीज को डेमोरलाइज करने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी. डॉक्टर अंबेडकर को डेमोरलाइज किया गया, इस चीज को छुड़वाया गया. मनोहर भाइयों, मैं ये चाहूंगा कि आप इन सारी जो चीजें हुई 1932 में और गांधी अंबेडकर डिबेट हुआ, इस सारी चीजों को पढ़ें और समझें ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका परिणाम आज क्या हो रहा है. आज इसका परिणाम ये है कि 132 लोग तो हमारे हैं लेकिन हमारी आवाज नहीं उठाते. दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक और सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जो हमारे जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए वो सीटें रिजर्व की गई हैं जहां पे उनकी आबादी बिल्कुल कम, यानी उनको वो लोग चुन करके देते हैं जो जिनसे उनका वास्ता नहीं है. अगर जहां पे ज्यादा लोग दलित और ज्यादा ट्राइबल्स रहेंगे और ज्यादा लोग अगर उनको चुन करके देंगे तो ऐसा लगेगा नहीं ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे नेता हैं, हमारे प्रतिनिधित्व, हमारी आवाज उठाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. देयर इज अ डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दिस. तो इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा, खास करके जो हमारे दलित एक्टिविस्ट हैं, हमारे दलित बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ओबीसी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं. कम से कम गांधी अंबेडकर डिबेट को फिर से पढ़ें, समझें और सेपरेट इलेक्टोरेट फिर से लाया जा सकता है क्या, इस पे गहन चर्चा करें. अगर सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक है नहीं लाया जा सकता है, कम से कम उसका एक वेरिएंट, उसका एक अलग रूप यहां पे लागू किया जा सकता है कि जो अन्य देशों में लागू है, उस पे गहन चर्चा होनी चाहिए. दूसरा जो समूह है यहां पर वह है माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के मुताबिक आज भारत में 6 समूह हैं. नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के अनुसार देश में 6 माइनॉरिटीज ग्रुप्स हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बुद्धिस्ट. अगर इनको पॉलिटिकल एतबार से देखें तो पारसी और जैन जो माइक्रो माइनॉरिटीज हैं, इनको अलग हटा देते हैं. उसके बाद आता है सिख. सिख हमारे जो बंधु हैं पंजाब में, दे आर फेयरली रिप्रेजेंटेड. उसके बाद बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस आते हैं. इनका भी जो प्रतिनिधित्व है इनकी आबादी के एतबार से ठीक है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है कंट्री में. बच जाता है मुसलमान. बहनों और भाइयों, मैं आपको बता दूं, मुसलमान आज देश में 14.2% है. मेरा बोलना है इन द नेशनल पॉपुलेशन दे कॉन्स्टिट्यूट 14.2% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व आप जानते हैं कितना है. इस इलेक्शन में 2019 में सिर्फ 25 प्रतिनिधि हैं, 2014 में 22 प्रतिनिधि थे, यह 5% से भी कम है. आबादी 14%, प्रतिनिधित्व 5%, यह एक डेफिसिट है, एक गैप है. और यह गैप जो है अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए, आज 14.2% ऑफ 543 इज 77. आबादी के हिसाब से देखा जाए तो आज मुसलमानों के प्रतिनिधित्व लगभग 77 होने चाहिए, लेकिन आज के पार्लियामेंट में कितने हैं, 25 हैं. इसके पहले वाले पार्लियामेंट में कितने हैं, 22 थे. 5% के आसपास ये आंकड़ा आगे पीछे होता रहता है. और ये पॉलिटिकल जो डेप्रिवेशन है, पॉलिटिकल जो मार्जिनलाइजेशन है, पॉलिटिकल जो वंचितकरण है, इससे कांग्रेस पार्टी बखूबी वाकिफ थी 60 साल तक, लेकिन उसने कुछ नहीं किया. और इस पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन के लिए बीजेपी भी बखूबी वाकिफ है, लेकिन वो भी नहीं कुछ करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को हमने देखा है इट इज आइडियोलॉजिकली अगेंस्ट द एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स. पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि बीजेपी ने लगभग 425 टिकट दिए थे इन पार्लियामेंट इलेक्शन, लेकिन इन 400
टिकट्स में कितने मुसलमानों को मिले थे? सिर्फ 6 मुसलमानों को टिकट दिए गए थे, और ये वहां से दिए गए थे जहां से इनको चुन के आने की दूर दूर तक संभावना नहीं थी। अब इस पार्टी से मुसलमानों के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की क्या किसी तरह की संभावना है या किसी तरह की हम उम्मीद रख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। बनोर भाइयों, इसके पीछे कुछ कारण है। कारण यह है कि मुसलमान जो है 14.2%, ये पूरे देश में दे आर स्प्रेड अनइवनली। बहुत ऐसे कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे मेजोरिटी कंडीशन में और चुन करके आने की सिचुएशन में है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो टिकट ही उनको कम देते हैं। तीसरा यह है कि जो मुसलमानों के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व करके रखा गया है। ऑफ लेट एक कम्युनलाइज इन्वायरमेंट है उनके खिलाफ में, यानी हमारे जो मुस्लिम समाज के जो भाई हैं वो गैर मुस्लिम समाज के जो कैंडिडेट हैं उनको तो जीता सकते हैं, लेकिन ये वाइस वर्सा नहीं होता है। दूसरी तरफ देखें तो हमारे मुसलमानों में ग्रास रूट लीडर्स की बहुत कमी है, और दूसरा हमें कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि राजनीतिक नेता हमारे धार्मिक नेता है या हमारे धार्मिक नेता राजनीतिक नेता है, यह समझ में नहीं आता। बहनों और भाइयों, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री लाइक इंडिया, इट इज नॉट सऊदी अरबिया। ये ईरान और इराक नहीं है। हम खुद मानते हैं कि यहाँ पे सेकुलरिज्म होना चाहिए जिससे हमारे अधिकारों की रक्षा हो, और हम खुद ही सेकुलरिज्म को तार तार करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको नेता बनना है, लोगों को लीड करना है, लोगों को प्रतिनिधित्व देना है, तो सबसे पहले जो सेकुलर सब्जेक्ट्स हैं उनको हाथ में लेकर के काम करना पड़ेगा। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, साफ पानी, साफ सड़कें, बिजली, एजुकेशन, शिक्षा, इंटरनेट, इस पे काम करना पड़ेगा। आप तो पहले यही नहीं जानना चाहते कि धार्मिक इश्यूज क्या हैं और पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं। जब आप इनको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे देन यू विल एक्सेल इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। उसके बाद एक और हमने फेनोमेनन देखा है कि जो मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बहुत कम है ऐसे जहां पे 40-50% मुसलमानों की आबादी है, वहां पे सारे पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को ही टिकट देते हैं। नतीजा ये होता है कि देयर इज ए क्लियर डिवीजन ऑफ वोट्स, और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है वो जो चुन करके आ जाता। तो दीज आर द रीजंस। ये पेपर में हो सकता है कि कहीं पब्लिश करूंगा, आप इसका डिटेल पढ़ लेंगे। उसके बाद एक और सब्जेक्ट है कि सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें हमने देखा है कि जो मुसलमानों के जो डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे द मुस्लिम्स फॉर्म अराउंड 30-50% ऑफ द वोटर्स, उसको जानबूझ करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व करके रखा गया है। बरोबर भाइयों, ये मुसलमानों के लिए भी घातक है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी घातक है। इट्स अ हिडन एजेंडा टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ मुस्लिम्स इन पॉलिटिक्स, एंड एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो हिडन एजेंडा अगेंस्ट दलित्स एंड अगेंस्ट ट्राइबल्स, कि आपको वहां से टिकट नहीं दिया जाएगा जहां से आपकी संख्या ज्यादा है, जहां पे आपके इश्यूज ज्यादा है, जहां पे आपको एजुकेशन चाहिए, जहां पे आपको आर्थिक स्थिति चाहिए, वहां से नहीं दिया जाएगा। तो इन बातों को समझने की जरूरत है, और इस बात को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, हमारी एक बहन ने यहाँ पे आकर के जेएनयू की कहा था कि सच्चर रिपोर्ट 2006 में पब्लिश हुई थी, मैंने उसके किताब भी लिखी है और मेरी दूसरी किताब भी है। सच्चर कमेटी ने यह बखूबी कहा था कि जो मुसलमान डोमिनेट जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रिजर्व करके रखा गया है, और एट द सेम टाइम जहां पे दलित और आदिवासियों की आबादी ज्यादा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जनरल बना करके रखा गया है। और इस चीज को करेक्ट करने के लिए हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे दलित नेता, ये सारे लोगों ने गवर्नमेंट को निवेदन दिया है, उनसे रिक्वेस्ट किया है। टाइम टू टाइम दे हैव रिमाइंडेड द गवर्नमेंट दैट देयर शुड बी अ फ्रेश डिलिमिटेशन कमीशन विद अ फ्रेश मैंडेट, कि इन सारी चीजों को डी रिजर्व किया जाए
और ये जो गलती है इसको सुधारा जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहनों और भाइयों, हमारे देश में जो सिस्टम है आज FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जिसकी वोट ज्यादा होगा वही चुन करके आएगा। भले ही 10 लोग खड़े हैं, किसी को 20% मिला, किसी को 15% मिला, किसी को 11% मिला, 21% वोट हासिल करने वाला भी चुन करके आ जाता है। जरूरी नहीं है कि जो टोटल वोटर्स है उनका 51% वो हासिल करे। तो इस सिचुएशन में जो हमारे जो मुस्लिम भाई है उनको चुन के आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम चाहेंगे या तो सरकार प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लागू करे, या कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व करे, या जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं जहाँ पे सोशल जस्टिस के जो कुछ रास्ते अपनाए गए हैं, वहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए कुछ और जो वेरिएंट जो अप्लाई किया जाता है उसको अप्लाई करने की कोशिश किया जाए तो बेहतर होगा। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। इसके बाद मैं OBCs पे आऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि OBCs के लिए कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन उनकी संख्या को अगर हम निकालने की कोशिश करें तो वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ OBCs बाय द सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन, यानी हटा करके एक एक पृथक करके उनके संख्या को हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, वो हटा दीजिए। 48 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए है, वो हटा दीजिए। अब इनकी संख्या को अगर हमको काउंट करना है तो हम देखेंगे कि जो अपर कास्ट हिंदू जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, उसके बाद बनिया, इनकी आबादी यहाँ पे जितने वक्ता हैं और किताबों में हमने पढ़ा है 15-20% है, लेकिन इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है? इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 40-50%। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश के 52% OBC, 52% अन्य पिछड़ी जातियां, उनकी कितनी प्रतिनिधित्व है। 52% अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सिर्फ 30-35% जो पॉलिटिकल जो सीट्स है वो बचते हैं और उनमें वो खुश है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे यादव भाई हैं यूपी और बिहार में, इनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। अगर हम गुजरात में चले जाए तो पटेल OBC कास्ट है, उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। महाराष्ट्र में कुनबी और मराठा के रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। आंध्र प्रदेश में रेडीज का अच्छा है। कर्नाटक में चले जाए तो वो कालीगाज और लिंगायत का अच्छा है। लेकिन ये जो है डोमिनेंट OBC कास्ट है। अगर नीचे के OBC कास्ट की अगर हम बात करें, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो बढ़ई हो, सुतार हो, चाहे वो कुंभार हो, माली हो या चरवाहा हो, इनका रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं दिखता है। दे आर टोटली मार्जिनलाइज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स और इसको बढ़ाने के लिए कभी कोशिश नहीं हुई है। बहनों और भाइयों, एक मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले अभी इससे पहले मैंने मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की चर्चा की थी। मुसलमानों के लिए सबसे पहले पॉजिटिव इंडिकेशन यह है कि वो अवेयर हैं, दे नो कि हमारा पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हुआ है और इसको कम होना चाहिए, इसका इम्प्रूव होना चाहिए, इस पर सुधार लाना चाहिए। लेकिन हमारे जो OBC बंधु हैं उनको पता ही नहीं है कि दे आर पॉलिटिकली मार्जिनलाइज और इसको करेक्ट होना चाहिए। दे आर द बिगेस्ट फुट सोल्डर्स ऑफ आवर अपर कास्ट हिंदू लीडर्स। अगर उनके लिए नारे लगाना हो तो हमारे OBC बंधु, पोस्टर चिपकाना हो तो हमारे OBC बंधु, उनके विक्ट्री प्रोसेशन में आगे जाना हो तो हमारे OBC बंधु, और अगर मुसलमानों के लिए सबक सिखाना हो तो बजरंग दल में सबसे ज्यादा हमारे OBC बंधु। लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको ये पता भी नहीं है। द सैड पार्ट इज दैट दे आर नॉट अवेयर दैट दे आर मार्जिनलाइज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स। एक शेर मैंने अपने किताब में लिखी है, हद है पस्ती की कि पस्ती को बुलंदी जाना। सबसे खराब बात यह है कि हम बैकवर्ड हैं और बैकवर्डनेस को भी हम प्रोग्रेस समझ लेते हैं। आज हमारे जो OBC बंधु हैं, खास करके जो लोअर OBC, उनके लिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वो समझते हैं कि हम सब ठीक ठाक है,
उनके लिए मानो और वायु सब ठीक ठाक नहीं है, और खास करके जो ओबीसी बेस जो पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज को समझना चाहिए और इसको करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो लोअर ओबीसी कास्ट है दे शुड बी पॉलिटिकली एंड प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन इंडियन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसके बाद हम बात करेंगे स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो हम यह कहना चाहते हैं कि हम अगर कोई नई चीज क्रिएट करते हैं या कोई नई चीज बनाते हैं तो उसके पीछे दो चीजें होती हैं, एक होता है उद्देश्य द ऑब्जेक्टिव एंड द सेकेंड थिंग इज स्पिरिट। ऑब्जेक्टिव यह था, द ऑब्जेक्टिव टू राइट एंड अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कि हम वी शुड मेक इंडिया अ सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन द स्पिरिट वॉज कि इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो, जस्टिस हो, फ्रैटर्निटी हो और इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ये सारे स्पिरिट थे। लेकिन बहनों और भाइयों ये स्पिरिट्स आज फुलफिल नहीं हुए, न तो इक्वालिटी है, न जस्टिस है, न फ्रैटर्निटी है, न लिबर्टी है। जैसे कहा गया था प्रीएम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, आज बोलने की आजादी है जो सबसे बड़ी ह्यूमन टेंडेंसी है, बोलने की आजादी वो ली गई है। सभ्य समाज की जो सबसे बड़ी ताकत है बोलने की आजादी वो हमसे छीनी जा रही है। तो हम यह देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल है उसी को वी आर नॉट इंप्लीमेंटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट। डॉक्टर अंबेडकर ने इन चीजों को जस्टिस फ्रैटर्निटी इक्वालिटी रिजर्वेशन जो दबे कुचले जैसे यहां पे जो लिखा हुआ है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और अन्य वक्ता ने कहा था कि दे कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा, अगर यह पिछड़े रहेंगे तो देश पिछड़े रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया। इसके पहले एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के, तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे ही वाज अ फार साइटेड लीडर एंड ही इनकॉर्पोरेटेड मेनी थिंग्स व्हिच वी आर नॉट एडजस्टिंग इन दोस डेज, लेकिन उन चीजों की आज जरूरत हमें पड़ रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह बखूबी मापा था कि जब तक यहाँ के इन दबे कुचले जो लोग हैं इनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ाएगा। बट वॉट वी सी टूडे, मैं एक ग्लिम्स आपके सामने एक रख दूंगा, मैं एक कोट बोलना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयर अ लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट ओनली अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। जिन जिन वक्त में जिन जिन समय में जो जरूरतें जन्म लेती हैं हमें दिखाई देती है उन चीजों को टैकल करने का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सक्षम है जो इमर्जिंग नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए, लेकिन जानबूझ करके इन चीजों को अप्लाई नहीं किया जाता है। व्हाट वी हैव सीन इन द 70 इयर्स ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आज नतीजा ये है कि वी सी हीनियस क्राइम्स आर कमिटेड अगेंस्ट देम, deprivation from justice, no perceptible change in the economic status of these communities, they formed majority of the poor population, assets holding is very very low। इसके पहले एक हमारे वक्ता ने कहा था कि 95% है लेकिन 5% assets holding है। थोड़ा सा ये है, हम बोलते हैं कि 80% है लेकिन assets holding का मतलब है कि हमारा बैंक बैलेंस कितना, हमारे पास जमीन कितना, हमारा घर है, यानी ये जितने जो रिसोर्सेज हैं अगर हम इन चीजों को अगर हम डिवाइड करें तो ये बहुत कम है, होल्डिंग बहुत कम है। डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी इज गोइंग अप एंड एफर्ट टू मेक द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब एंड एजुकेशन मीनिंगलेस। हमारे जो जेएनयू के जो दो छोटे भाई थे उन्होंने कहा है
कि रिजर्वेशन का जो सिस्टम है उसको कैसे इनएफेक्टिव बनाया जाए, ये कोशिश हो रही है। और डेलिबरेट ऑन हिडन एजेंडा टू मेक द पॉलिटिकल रिजर्वेशन मीनिंगलेस एंड इनएफेक्टिव, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया। और डेलिबरेट एफर्ट टू मेक द पुअर फील दैट दे आर नॉट वांटेड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ दिस कंट्री। उसके बाद और डेलिबरेट एफर्ट नॉट टू कीप सोशल जस्टिस एंड अबव ऑल, इन सारे चीजों का सार बंधुओं बहनों और भाइयों यह है कि हम 2000 साल पहले जाएं और उस वक्त की जो क्रेडिट सोसाइटी थी बेस्ड ऑन द बर्न आश्रम था वो एस्टैब्लिश हो, इस तरह की कोशिश हो रही है। तो बहनों और भाइयों इन सारी चीजों से हमें निकलने की जरूरत है। और ये इसलिए हुआ है कि दो जो घटक है, एक द रूलिंग एंड द सेकेंड इज रूल्ड, जो हमारे जो नेता है जिनके हाथ में हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था इंप्लीमेंट करने की और ये सारी चीजों को हटाने की, सोशल जस्टिस लाने की, दे हैव कंप्लीटली फेल्ड इन द इंप्लीमेंटेशन। और दूसरी जवाबदारी है द रूल्ड, वी आर बीइंग रूल्ड, वी कॉन्स्टिट्यूट 80%, और अगर पूरी अच्छे तरह से लागू नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये जवाबदारी हमारे ऊपर भी आती है कि हमने क्यों नहीं रिमाइंड किया हमारे नेताओं को, हमने क्यों नहीं रिमाइंड किया हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो द नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंप्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यू आर नॉट सक्सीडिंग इन दैट, हमने उनको रिमाइंड नहीं किया। एक मैं और कोट डॉक्टर अंबेडकर का कोट करना चाहता हूं, हाउ एवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाले खराब हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खराब हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। उनका कहना है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी बुरा क्यों नहीं हो अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे हैं तो वो संविधान भी सक्सेसफुल होगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है, सैडली वी आर सेइंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड एंड दैट वाज गिवन बाय डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन बेस्ट होने के बावजूद जो उसका रिजल्ट है प्रॉपर वो हम अपने सामने नहीं देख रहे हैं। इन सारी चीजों को मैंने समराइज किया है और एक और मैं कहना चाहता हूं, व्हाट इज द वे आउट, इनसे निकलने की क्या, व्हाट आर द मेथड्स, इनसे कैसे बाहर निकला जाए। ठीक है, हम रीजंस तो देखते हैं लेकिन सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशन पे भी द फर्स्ट थिंग इज यूनिटी। ये जो आप चार पांच जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख रहे हैं बनवर भाई है, इनको अलग अलग करके इनके अधिकारों को छीना गया है, इनसे वंचित किया गया है। सबसे जरूरी चीज है कि हम यूनाइट हो जाए, देयर शुड बी इन यूनिटी अमंग अस। और ये यूनिटी जो है ऐसा नहीं कि हम रिलीजन एक होगा तभी हम यूनाइट होंगे, हम अलग अलग धर्मों का पालन करते हुए अलग अलग धर्मों को मानते हुए भी सोशली यूनाइट हो सकते हैं। हम यहाँ पे धार्मिक यूनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक एकता की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक तौर पर यूनाइट हो जाएं और यूनाइट होकर के इन चीजों को लड़ें, क्योंकि हमें अधिकारों से वंचित जो किया गया है अलग अलग करके किया गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारा संविधान, बहनों और भाइयों हमारा जो संविधान है इट्स अ सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट एंड हिस्टोरिक अचीवमेंट। ये अगर हमारे हाथ से चला गया तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। आज इसको बदलने की कोशिश हो रही है, इसको इनएफेक्टिव करने की कोशिश हो रही है, इसको हमें रोकने की जरूरत है एट एनी कॉस्ट। हमारे जो लोकतांत्रिक जो अधिकार है, जो लोकतांत्रिक फोरम है वहां पे जाकर के और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाया जाए इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर संविधान नहीं रहा तो हम तो अपनी जिंदगी जी लेंगे लेकिन हमारे आने वाला जो जनरेशन है उनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत जो है, सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हमको होने वाला है, इसीलिए संविधान को बचाने की सबसे ज्यादा जवाबदारी हमारे ऊपर है
और सारी चीजों को भूल करके हमको संविधान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है, तीसरा है एजुकेशन। सच्चा रिपोर्ट पे जब हमने किताब लिखा तो हमने पाया एज पर 2011 सेंसस जो नेशनल लिटरेसी रेट जो है इट इज अराउंड 73%, मुस्लिम्स में 68% है, शेड्यूल कास्ट में 65 है, शेड्यूल ट्राइब में और कुछ 50s में है। तो हमारा एजुकेशन का लेवल ही अगर कमजोर है, और सारे लोगों ने कहा है कि एजुकेशन इज द की टू एम्पावरमेंट, जो जेएनयू के वक्ता थे कि अगर ये इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि हम एजुकेट नहीं हो, क्योंकि एजुकेट अगर हम होते हैं तो हम जागरूक हो जाते हैं, और हम जागरूक हो जाते हैं तो हम अपने अधिकारों के प्रति लड़ते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा बहनों और भाइयों की, सबसे पहले आप अपने आप को एजुकेट कीजिए और अपने आने वाला जो जनरेशन है उनको एजुकेट कीजिए। लेकिन एक बात और मैं रिमाइंड करना चाहूंगा यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की, द लेवल ऑफ एजुकेशन, द नंबर ऑफ डिग्रीज, द नंबर ऑफ बुक्स डू नॉट डिसाइड दैट अ पर्सन इज एजुकेटेड। कितनी हमारे पास डिग्रियां बजाए, कितनी किताबें हम पढ़ लें, कितने एजुकेशन का स्तर हमारे उठ जाए, यह डिसाइड नहीं करता कि हम शिक्षित हैं। शिक्षित हम उसी वक्त होंगे जब हम सवाल करने की आदत अपने में क्रिएट करेंगे। When we develop the ability to ask question, question कैसे? जो unscientific चीजें जो हमारे हैं हमारे सामने उनको question करने की कोशिश करें। The age-old practices, हजार दो हजार साल की परंपराएं, हजार दो हजार साल की unscientific traditions जिससे हमको कोई फायदा नहीं होने वाला, उनको क्वेश्चन करने की एबिलिटी जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हमारे सामने जो बहुत बड़ा जैसे हर्डल कहता है, इट्स नॉट हर्डल, दीवार खड़ी है, इन चीजों को हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर ऐसा एजुकेशन आना चाहिए कि वी शुड बी एबल टू रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट द एज ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। लास्ट में मैं यह कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, डॉक्टर अंबेडकर ने जितनी किताबें लिखी थी, महात्मा फुले ने जितनी किताबें लिखी थी, पेरियार ने जितनी किताबें लिखी थी, बिरसा मुंडा की जीवनी के ऊपर जितनी किताबें हैं, जब तक हम उन चीजों को लाइन बाय लाइन, बुक बाय बुक इज फार अवे, जब तक हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं और उनको समझते नहीं है, तब तक हम इमेंसिपेशन और फ्रीडम और इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा यहाँ पे जितने हमारे बंधु हैं नोट कर ले, अगर नोट करना चाहते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फुले, पेरियार, बिरसा मुंडा, इन सारे जो मॉडर्न सोशल रिफॉर्मर्स हैं इनके किताबों को हम पढ़ें और इमेंसिपेट होने की कोशिश करें। और अंत में मैं कहना चाहूंगा एजुकेट, यूनाइट एंड एजुटेट। सबसे पहले शिक्षित होइए, उसके बाद एकता कायम कीजिए और उसके बाद संघर्ष करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने हमें बुलाया और आपके सामने कुछ बोलने का मौका दिया, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे।